हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज सब अच्छे ही होंगे और न्यू ईयर को अच्छे से सब मतलब नया जो साल है वो अच्छे सबका जा रहा होगा। और न्यू ईयर के बाद में जो मैंने लास्ट ब्लॉग बनाया था शायद न्यू ईयर वाले दिन ही बनाया था, उसके बाद मैं आज बना रही हूँ। एक्चुअली ठंड इतनी है ना कि बस हाथ रजाई से निकालने का दिल ही नहीं करता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। बस आज थोड़ा सा दिन खुला हुआ है, आज है स्पेशल डे। और क्यों है स्पेशल डे? आज कुछ है स्पेशल है और वो भी दो हैं, तो छोटा सेलिब्रेशन होना है। जाएंगे अभी थोड़ी देर में, अभी वजह है 1 और हम तैयार हो रहे हैं, मतलब शाम तक जाएंगे और आपको वहीं जाके मिलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और आज क्या है, और वो भी दो। क्या है आज दो? तो आप ब्लॉग में बने रहो, आपको सब देखने को मिलेगा और थोड़ा सा एंजॉय भी करोगे आप लोग। मैं भी एंजॉय करूँगी, आप भी एंजॉय करना जो भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन होगा उसको। तो अब मैं जल्दी से फटाफट से काम कर लेती हूँ पहले। और देखो ठंड, आज थोड़ा धूप खिली है। मैंने अपना कुर्ता भी निकाल लिया, सब गर्म गर्म जितने भी कुर्ते थे सब निकाल लिए हैं। सब बहुत 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 ज़्यादा ठंड है, बस आज ही थोड़ा सा दिन अच्छा सा है। तो मैंने सारी रजाई को धूप लगा दी है थोड़ा सा, क्योंकि कई दिन से थोड़ी सीलन सी होती है, स्मेल भी आती है बारिश वाली ना, जैसे बारिश के समय नहीं होती स्मेल आती है। चलो फिर आप बने रहिए ब्लॉग में, थोड़ा सा होने वाला है एंजॉय। तो चलो फिर। तो ये देखो यहाँ आना है हमें, आप लोग पहचान ही गए होंगे। मम्मी के घर पे यहीं पे है सेलिब्रेशन छोटा सा, और वो आपको पता चल जाएगा क्या है। तो मेरी बहन जो है तैयारी कर रही है, पहले आ गई थी 2 दिन छोटी वाली 3rd नंबर की। और ये मेरा भाई भी डेकोरेशन करने में लगा हुआ है। ये वीडियोस मुझे मिल गई थी कुछ पहले की। और ये मेरी सबसे छोटी बहन जिसकी शादी भी हुई थी, आपको पता है, आप ब्लॉग में देख ही रहे होगे। ये मेरे से पहले पहुंच गई थी, ये भी मेरे से पहले आ गई थी, ये 2nd नंबर की। और ये इनके बच्चे, ये सब लोग पहले से पहुंच गए थे। इस बार मैं सबसे लास्ट में पहुंची थी। ये देखो पीहू तैयार हो गई, पीहू और ये भाभी भी तैयारी कर रही होंगी हमारे यहाँ से पहले, शायद खाना वाना बना रही थी। ये भाई भी लगा हुआ था इधर खाना वाना के चक्कर में ही, जो भी कुछ करना था। और ये छोटी बहन भी सब्ज़ी बनाने में लगी थी। ये लोग सब पहले ही पहुँच गए थे। तो मैंने कहा मुझे वीडियोस दे दो पहले की, तुम लोग कैसे कैसे पहुँचे, क्या क्या तुमने किया। तो बस मैं पहुँचने ही वाली थी। कौन बना रहा है? मैंने थोड़ा बना के बंद करते आ रही हूँ। मैंने तुमको बोला था भेज दे महारानी, इसको ठंडा लगे, शादी होगी तो ठंडा नहीं बंद होगी। इसमें ब्लॉग देखा था, मेरी शादी होगी। और मैं आपको देखो रूम दिखाती हूँ, एकदम से बहुत 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 सुंदर लग रहा था। बहुत अच्छे से सजाया था भाई ने इसको, जब तक हम आए थे तब तक ये सज चुका था। देखो 7:20 हो रखे हैं, तो मतलब हम टाइम पर ही पहुँचे थे। 7 बजे हम पहुँचे थे, तब तक रूम जो था बिल्कुल सजा हुआ था, बहुत ज़्यादा कलरफुल लग रहा था। सब तरफ बलून्स वगैरह, स्टार्स वगैरह सब अच्छे से लगा रखे थे, पूरे रूम में लगाए हुए थे इसने। और रूम अच्छा भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। ये जैसे लड़ियाँ भी लगाई थी साथ में इसमें दीवार पे, ये देखो इससे और ज़्यादा ना दीवार बहुत अच्छी लग रही थी। और ये अपना बैठे हुए थे आके, और कुछ और लोग भी आ गए थे, वो सब बाहर थे, गेस्ट वगैरह सारे। और ये हो रहा है रेडी यहाँ पे। और मैं इससे बोल रही, तूने मेरी बेटी की जैसी बिल्कुल जैकेट पहन ली है, उसने भी यही कलर पहना है। तो ये हो रहे हैं रेडी केक कटिंग के लिए। उधर भाभी भी कुछ ढूंढ रही थी अलमारी में, विशु जैसा हो गया तो सेम टू सेम। हाँ जी, आप क्या पहन रहे हो? वो अपना साड़ा ही पहन रही है। साड़ा ये तुम दोनों तो एक जैसे हो गए विशु, देख मामा की तरह हो गए तो बिल्कुल, है ना घटिया वो तू ना। और हम इससे पूछ रहे थे तूने ये सब सामान जैसे कहाँ से लिया है, क्या करा है। तो इसने बताया कि ये सारा सामान ना मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है सारा ही, जो भी स्टार्स वगैरह। बोल रहा था कि सब सस्ता पड़ गया, बहुत अच्छा पड़ा और सस्ता भी पड़ गया, और सच में बहुत अच्छा भी लग रहा था। बहुत सारा सामान, टोटली सामान मैंने ऑनलाइन ही लिया था। तो हम यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे और इसे छेड़ रहे थे कि सब कुछ ऑनलाइन मंगाया, तो तुझे शादी भी ऑनलाइन करनी चाहिए थी, ऑनलाइन ही वो बीवी आनी चाहिए थी तेरी। और ये बेटी को छेड़ रहा था। रोतलू बर्थडे वाले दिन भी रोएगी, बर्थडे वाले दिन भी रोएगी। आजा आजा बाबू, है इसने मुकस कर लिया, आजा आप बिस्कुट दो। अभी छोटी है ना, ये भीड़ को देख के ना वो होती है थोड़ी। इसकी मौसी आई नहीं, यू कहते अपने बड़े वाले फूफा जी पे। और इधर भाभी भी हो गई थी रेडी, देखो कितनी अच्छी लग रही हैं। और ये देखो, ये तो बस कैमरा को देखते ही नाचने लगती है। और ये हमारा केक फाइनली सुंदर सा, देखो आप। और ये लेगी थी हम पीहू के लिए खिलौना। हाँ, पीहू देख के खुश हो गई थी इसको, ये देखो। उसे अच्छा लग रहा था, लाइटिंग से आ रही थी इसमें, और सारे बच्चे इस खिलौने को देखने लग गए थे, सबको अच्छा लग रहा था ये। ये देखो कितनी बढ़िया बनाई है यार, ये देखो यार, मुंडी तो ये रही, अरे ये तो ये देखो मुंडी तोड़, अच्छा ये ठंड हो रही है, टॉप पे बैठा है। लड़की होगी 5 साल की, 5 साल की हो गई वो। हां, ये दादी क्या भूल जाएगी मम्मी का, बुलाओ भाभी को, बुला नहीं बुझेगी। अरे वो उसको थोड़ा दूध पिला रही थी, हो जाएगी 4 आई थी, वो 5 की हो गई। आ जा, बंद कर दिया, किसने बंद कर दिया? अच्छा अरे गाने तो चलाओ, बिल्कुल होती है। हाँ, सारा दिन उधर जाओ, मामा के पास जाओ, मामा ये रहा, ये रहा दस, इधर आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ, कोई नहीं मार दो। चलो भाई, चल उधर तो आजा। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, देख रहे क्या रहा है, बर्थडे टू यू, और उसके ऊपर आगे आजा अपनी फोटो बेटा, अब आगे हो जा अपनी फोटो, आजा चल बैठो सही, नीचे बैठ के कटाओ, बैठ के, हाँ बैठ जाओ, हाँ पकड़ा दो उसके हाथ, चलो बैठना, बैठना भाभी, बैठ जाओ, बैठो तीनों, तीनों हाथ लगाना, चलो कट करो बच्चों, क्लैप करना ठीक है, जोर से क्लैप कर, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पीहू, हैप्पी बर्थडे टू यू, पीहू हैप्पी बर्थडे पीहू, अरे वाह, हैप्पी हैप्पी रचित, हैप्पी बर्थडे यू, ऐसे होता है। पीहू देख, तेरी चॉकलेट, तेरी चॉकलेट लाइट है, पीहू ले ले, तेरी फेंक दो अभी, ले लियो केक खा के, ले केक खिलाओ पीहू, इधर देखो दर्शित, इधर देखो दर्शित, हैप्पी बर्थडे बोल रही है वो छोटी सी, हैप्पी बर्थडे बोल रही है। अब खिलाना पहले पापा को, ताकि उसके बाद सब लोग खाएंगे और खिलाएंगे। और ये काई थी गुड़िया, छोटी सी प्यारी सी, बहुत डॉल सी। और ये देखो आज क्या है, मैंने आपको बोला था कि आज एक बर्थडे नहीं है, मतलब एक चीज़ नहीं है, 2 चीज़ें, तो 2 चीज़ें हैं, 2 बर्थडे। आज मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे है, तो भाई ने बोला चलो आप भी केक काटो, और भाई ने इनसे भी केक कटवा दिया वहीं पर ही, तो 2 बर्थडे एक साथ मन गए। देखो आप भी फोटो खिंचवाएंगे, पहले सीट की तरफ से है, बर्थडे के बाद में, अच्छा टू यू, चला जाओ, हैप्पी की तरफ से है, ए क्यूटी, क्यूटी भाई, क्यूटी भाई डॉल सी है, डॉल सी, अरे ये टोपी ना, नहीं टोपी टोपी बच्चों की दे तो दी इतनी सारी, ये तो नहीं सारी दो ही है बस, नहीं और ये पीछे वो पड़ी। चलो खिलाओ, अरे ये 3-4 से ज्यादा खिलाओ खिलाओ खिलाओ, ये ना इधर दे दो, फोटो भी क्लिक कर लेना साइड से, खिलाओ भाभी। नहीं फोटो भी बन जाएगी, वीडियो भी हो जाएगी, मुंह बंद कर लीजिए, खा रही है केक। चलो खिलाओ 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 भाभी, खिलाओ गिफ्ट तो दो जाके, अभी देंगे रुक तो जाओ, पहले केक तो खिला दो। अरे गिफ्ट का सेशन नहीं चल रहा है, केक ये लो जाओ, मैं खिलाऊं पहले, जाओ 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 ना, बना निकल जाती है इसमें, बेटा नेक्स्ट मेरा। लाली मैं तो लाली लाली हेलो 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 हेलो, ये तो बहुत खाएगी खब्बू है, ले ले लो खिला दो, खिला दे खिला दे, मैंने खिला दिया, खिला दो इधर खिला दे, ले ले गिफ्ट ले ले गिफ्ट ले जल्दी ले 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 आएगा, चलो जल्दी ले, तुमसे नहीं गुस्सा है, नहीं केक थोड़ा थोड़ा सा यहीं पे केक में मार देगी, कभी फोटो भेजना नहीं होगा, बोले नेक्स्ट मैं भी कहूँ नेक्स्ट ये भी कह रहा है, खिलाओ अब तो हो गई होटल दर्शित का, वो ले ले आप लेते जाओ, ठीक है ला यू, हां अभी जाऊंगा, चलो देखिए चलो जल्दी करो, एक ही बात उठा उठा के इसे देते रहो, साइकिल का फोटो भी क्लिक करो भाई, यू खा ले मम्मी, साइकिल आराम से खा रही है, केक आराम से खा रही है, सोचिए पागल हो गए सारे, ये सोचे सारे पागल हो गए, चलो तू आजा, चलो बीच में कर लो इसे, हाँ इसे बीच में ले लो, बीच में हाँ बीच में ऐसे ले लो, ऐसे केक गिर जाएगा बेटा, बहुत पीछे थोड़ा सा पीछे हो जाए, बाद में खेलना है, छोड़ रहा है, चलो किसी करो, हाँ जी बोलो क्या क्या चाहिए, छुपा दे खिलौना, हाँ खिलौना, मतलब मौसा जी के दोनों को लाके देंगे, हाँ देखो मौसा जी के सेव कराया जा रही है, मौसा जी के लाके देंगे, ले ले इसके मजे आ रहे हैं केक खा खा के। पैसे तो सब पकड़ते हैं, पैसे की सारी दुनिया है दीवानी। ए बाबू इधर रख दे। इसने मंगाई भी नहीं इसके लिए। और भाई लाया था ये बेटी के लिए साइकिल, तो अपने मम्मी पापा की तरफ से इसको ये गिफ्ट मिला है। तो दोनों साइकिल चलो काट तो दिया इसने, क्या रोई तो नहीं कम से कम। मैं बैठूंगा ऐसा लग रहा उड़ेगी अभी, सीधे पड़ रहा साइकिल के उस दिन से। हाँ चॉकलेट ले लेते हैं, चॉकलेट डाला इसमें। हमेशा से फैशन करना होता है एक्चुअली। पता पर घर पे कौन आया? वो इसका भी बचपन। और खाना वाना रेडी हो रहा था और इधर ये डांस करने में लगी थी छोटी वाली। ये तो अभी 2-3 बार ही आई शादी के बाद में, तो बस हम लोग लगे हुए थे वहाँ पर। ये लगी डांस वांस करने में, उधर मैं भी देखने आई थी क्या हो रहा है अंदर। तो बस अब हो गया डिनर टाइम। ये सब खा रहे हैं खाना, जेंट्स वगैरह इकट्ठे, और हम लोग लगे थे बनाने में खाना वाना। और ये किचन में हम सब लोग, मम्मी भी है, मैं, भाभी, छोटे वाले भाई, सब मतलब बना रहे हैं मिलजुल के खाना घर में ही, तो बातें भी कर रहे हैं साथ में। और मैं आपको वहाँ पे गिफ्ट, मैंने ये तो दिखाई दिया था, देखो एक तो मैंने ये गिफ्ट लिया था अपनी भतीजी के लिए, खिलौना बहुत सुंदर था, डक थी ये, बहुत अच्छा डांस कर रही थी। 3 कदम चलता है फिर थोड़ा नाचता है। और एक इसके लिए ली थी मैंने ये ड्रेस, वुलन है ये, तो मैंने कहा थोड़ा सा बड़ा ही लेके आ गई थी मैं, और कि काम आ जाएगा बाद में भी, क्योंकि वो थोड़ा सा ना उसके पास लड़के वाले कपड़े तो हैं, और वैसे भी छोटी वाली सिस्टर है वो तो ऐसे ही लाती है उसके लिए कपड़े थोड़े से लड़कियों वाले, मतलब सुंदर सुंदर छोटे छोटे, तो मैंने कहा वो तो उसके पास हो ही जाएंगे, तो मैं कुछ ऐसा दे देती हूँ, तो ये सर्दी में काम भी आ जाएगा। बहुत सॉफ्ट कपड़ा था इसका, बहुत नरम, ये देखो एकदम रुई की जैसे। तो बस मैंने तो ये 2 गिफ्ट दिए थे उनको। हेलो, गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मॉर्निंग हो चुकी है, हम नाइट में आ गए थे वहाँ से 10 बजे बर्थडे से, और आज डुगू को लगनी है वैक्सीन। डुगू कहाँ पे जा रहा है? वैक्सीनेशन कराना है। गाड़ी साफ करनी है पापा, चलो इसको उठाओ, कपड़े में बांध ले इसको। बैठ, मैं इसको पकड़ा देती हूँ, चल आजा डुगू, आजा। तो मेरे पास तो तो बैठ, तो बैठ, को दे दो, बड़े आजा आजा आजा, बैठ जा, ले। तो यहाँ पहुँच गए थे वैक्सीनेशन सेंटर पे। यहाँ पे एक बाहर एक डॉगी था, बहुत जिद्दी सा, ये देखना आगे कैसे कितनी जिद करता है वैक्सीनेशन के लिए। और ये देखो ये डॉगी था यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा जिद्दी सा था, ये वैक्सीनेशन नहीं करा रहा था अपना है? इसकी बहुत मार लगी। डुगू शक्ल दी गई है, डग डगी कह रहा है मेरे को छोड़ दो, कितने सारे उस वाले को भौंक रहा है ना डुगू, नहीं। ये देखो देखो इसको जरा। इनू मुझे बता रही थी आके, मम्मा वो बहुत जिद्दी था, उसने इंजेक्शन नहीं लगाया, वो वहाँ से छूट के ना भाग गया इनके हाथों से। संभलने में नहीं आ रहा, पता चल जाता है, संभलने में बिल्कुल नहीं। कितना भागेगा, मास्क में भी भाग रहा। ये कितना प्यारा लग रहा है ना पापा, ब्लैक लग रहा। ओ भाई सीधा बाहर। जोरों की तरह लग रहा है एकदम। उसके कान भी तो अब लगेगा डुगु गिक। अब डुगू का आगे तो हम जा रहे। डुगू चिल्लाया बाबू, जोर से थोड़ा कम चिल्लाए। डुगू की जैकेट भी आ गई है, देखो अभी मिली है। डुगू डुगू जैकेट में कैसी लग रही है? डुगी बेचारे के इधर इधर लगे है ना। बेटा मत बना कपड़े लिया है। हाँ भाई जरा डुगू डुगू नए कपड़े आ गए आपके। ये दिखा दे मम्मा, दिखा दे। ओह कार्ड ही बन गया है, दिखा दे अपना। लाओ कार्ड दे दो, लाओ कार्ड दो, कार्ड दो। ओए हो ये देख तेरा पासपोर्ट बन गया, पासपोर्ट बन गया तेरा। चलो अब दिखा। उधर तो रैबिट भी थे जिधर से ये जैकेट लिया था, वहाँ पे तो रैबिट भी थे। कितने की जैकेट इसकी? 200 तक की है, 230। अरे बाप रे इतनी महंगी! ये बनाई ना देती इसकी, पहन लेना जैसे मैं ठीक से बना बनाई देती इसकी। तो डुगू भी वैक्सीनेट होके आ गया है और मैं कर रही हूँ काम अपना। उसके बाद मैं नहाऊंगा, मतलब हो गया है। ऐसा लेट हो गया क्योंकि इशिता जो थी इनके साथ गई थी। और ये मेरा माइक देखो, मेरी सांस फूल गई मैं ऊपर आई तो ये माइक ना उसका है, ये जो म्यूजिक सिस्टम मंगाया था उसका, तो ये इसमें थोड़ा सा ना पानी चला गया था। मैंने इसको धूप लगा दी इधर, और गद्दों पर भी मैंने धूप लगा दी क्योंकि हमारे कमरे में ना इसमें धूप आती है काफ़ी अच्छी। तो मैंने धूप लगा रखी है, सारी खिड़कियाँ वगैरह खोल रखी है। तो और क्या एक डोगी तो बहुत सारे डोगी तो उधर एक तो ना गली के अंदर, मतलब देसी होते हैं ना जो कुत्ते, उनको भी ऐसे ऐसे कपड़े पहना रखे थे। और डुगू अपनी जैकेट भी ले आया नहीं, रेड कलर की। तो आज उसको वैक्सीनेशन लग गई, उसको एक हफ्ते बाद फिर बुलाया है ना। एक हफ्ते बाद बुलाया, उसके बाद एक महीने बाद बुलाया, एक महीने बाद बुलाया। और डुगू रो रहा है बहुत जोर जोर से, नीचे है वो भी बैठा है आराम से। और मैं करूँगी अब काम। कमरे में आ रही है बहुत अच्छी धूप अभी तक, देखो। दूसरा डॉगी आ गया, दूसरा डॉगी आ गया, देखो। अपनी ड्रेस तो दिखा दो डुगू, डुगू अपनी ड्रेस तो दिखा दो, डुगू अपनी ड्रेस तो दिखा दो। डुगू डुगू पेंसिल खाएगा, ये पेंसिल खिला दो, चबाने का मन कर रहा है एकदम। रेडी रेडी हो गया, ब्लैक एंड ब्लैक और रेड, ब्लैक व्हाइट रेड हो गया, व्हाइट रेड हो गया। दे दे इसको पेंसिल, अब इसका थोड़ा शांत रहेगा। दांत टूटेंगे, दांत, इसके दांत कुलकुल आ रहे हैं। डुगू देख तो लो कैसा कर रहा है। डुगू देखो देखो बोला, आज तो मुझे ऐसी आवाज निकाल रहा था ना, ये क्यों हो रहा है? बैठ गया बोला शायद हो जाए बेचारे का। ये देखो डुगू का बन रहा है खाना और वो डुगू को हो रहा है दर्द और वो थोड़ा हम सबको भोंक रहा है, शायद उसका दांत भी टूट रहा है तो इस वजह से। और देखो डुगू को ना आज क्या खाना दे रहे हैं हम। हाँ ये देखो इसके अंदर डालिए। देखो अभी डुगू खाना आज डुगू को दे रहे हैं हम धोखा। वो पेडिग्री में रोटी खाता है और आज हम उसको दाल में रोटी मिक्स करके दे रहे हैं। पहले हमने थोड़ी सी पेडिग्री डाल दी थी, उसको उसने खा लिया और उसके बाद हमने उसी बर्तन में ना दाल और रोटी घोल दी है साथ में ना इकट्ठी मिक्स करके। तो देखो खाता है नहीं खाता, ट्राई कर रहे हैं। दे दो, देखो देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ डुगू। और डुगू की देखो 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 खाने के लिए कैसे कर रहा है, देखो देखो। और ये देखो इसने यहाँ पे कितनी गंदगी मचा दी है, इसी की जगह है ये देखो। इसी पहचान में आ गया है, ये मेरी पेडिग्री रही है। और इसको शायद नहीं पता चल गया, मतलब कि इसमें पेडिग्री नहीं है और ये पीछे हट गया। आपका बच्चा हूँ मैं, आपका बच्चा हूँ, छोटा छोटा बच्चा हूँ। डाल दे, डाल थोड़ी डाल दे। और ये देखो अब ये खाएगा क्योंकि इसमें हम डाल रहे हैं पेडिग्री। गिरी 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 थोड़ी सी डालो बस। हाँ बस बस इनू बहुत। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बैग आ गई से। अब खाएगा, अब ये खा लेगा इसको। इसने देखो यहाँ पे कितनी गंदगी मचाई हुई है, देखो सारा इसी के बर्तन है ये। खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। ये देखो इसकी चालाकी, अभी तो खाई नहीं इसने दाल, लेकिन हमने भी इसमें मिक्स कर दी है। और इसकी कॉलर वाली जैकेट है ये देखो, ये देखो ये देखो कितनी सुंदर जैकेट। आई एम कूल एंड आई। यस बेटा आप क्या बोल रहे हो, बोलो। आपके बच्चे को भी पूछ ले जरा, भूख लगती है जो। अच्छा अच्छा, ये कह रहा है आपके बच्चे को भी पूछ ले अगर मुझे भी भूख लगती है। फोन देख के उठाया, लेकिन ऐसे बच्चे को खाना देते हैं। ये देखो इसने क्या किया हुआ है होमवर्क करके ना, और ये सारा बेड कैसे कर दिया। ये देखो एक उन्होंने जैकेट फेंक दी है और ये देखो सारी, ये होमवर्क करके कॉपी ऐसे फेंकते हैं। ये देखो एक्सक्यूज मी, इधर इसको पता चल गया था कि उसमें दाल है, इसने मतलब कुछ भी है जो सूंघ के देखा, इसको लगा कि ये खाने की चीज कुछ इसमें नहीं है, तो हमने इसको पेडिग्री डाल दी। 9:05 है, रात के 9 बजने वाले हैं और आज थोड़ी सी ठंड कम है, 1-2%। क्या वो डुगू खा लेगा ना? तुम क्या कर रहे हो? ये लड़ाई कर रहे हैं दोनों। और ये देखो मुझे कितनी ठंड, और मैंने ना 2 जैकेट पहन रखी है आज। 9 बज गए हैं, आज मैं बना रही हूँ दाल चावल। और ये मेरे बच्चे लड़ रहे हैं पीछे। मैं दाल चावल बना रही हूँ, ज़्यादा हल्का सा खाना बना रही हूँ आज शाम को। और दाल मेरी बन गई और चावल भी मैंने बना लिए कुकर में। कॉपीज डालो, शैतानी नहीं मैं कह, कॉपी डालो, कॉपीज डालो इसमें, डालो कॉपीज, चलो डालो जल्दी चलो। ये देखो 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 खाना खा के आ गया डुगू। डुगू को आज पागल बनाया, दाल खिलाई। डुगू बोलो दाल खा ली। आज डुगू ने दाल खा ली। ये इसको खाना नहीं मिलेगा। 2 मिनट पहले ही मन पिटा है, इतनी गंदी आदत के पीछे हटो। मेरी मम्मी ऐसी है, हटो मार दिया। देखते हैं नीचे क्या कर रहे हैं चुपके से जाके। वीडियो बना ली। और ये गाने गा रहे थे, मतलब वो कुछ ऐप होता है उसके अंदर, तो मैं बस चुपके से देख रही थी क्या कर रहे हैं ये। और शॉप को इन्होंने बढ़ाया हुआ था क्योंकि 8:30 बजे बढ़ा देते हैं और अंदर बैठे रहते हैं ताकि पुलिस वगैरह ना आए, बस इसी वजह से। तो मैं चुपके से मैं पापा की इंक्वायरी करके आई हूँ, पापा क्या कर रहे थे गाने सुन रहे थे बैठ के। तो अब ये ऊपर आ रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं क्योंकि 8 बजे शॉप हम अब आजकल बढ़ा देते हैं कोरोना की वजह से, पुलिस घूम रही है इसलिए। अब हम खाएंगे खाना और ये देखो कितना शौक चढ़ा, ऊपर आके भी माइक में अपना गाना गा रहे थे, इन्हें बहुत शौक है। और फिर से गुड मॉर्निंग, एक और नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। मैं उठ गई थी जल्दी आज, वो है नीचे शॉप पे, शॉप खोली हुई है उन्होंने और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। मैंने बाहर दरवाज़ा खोल के देखा तो बहुत ठंडा मौसम हुआ था, तो मैंने आज शॉल जैसे सर पे मैं ले लेती हूँ ऐसे ही, क्योंकि मुझे कैप से थोड़ा सा एलर्जी है, कैप पहनती हूँ तो मुझसे कोई काम नहीं होता, तो मैं सर पे इस तरह से शॉल ही रख लेती हूँ। और नाक में थोड़ा ठंड जा रही थी तो मैंने नाक के ऊपर भी रख लिया ये। तो बस अब मैं बनाने जा रही थी चाय, क्योंकि वो बहुत देर हो गई थी उन्हें उठे हुए, वो 7:30 मतलब कि 6 बजे वो उठ गए थे और 7 बजे मैं उठी हूँ, तो 7 बज रहे हैं मतलब। तो मैं चाय बना के लेकर जा रही हूँ नीचे, चाय बनानी है मुझे। और बच्चे तो अभी सोए हैं क्योंकि ठंड है, तो मैं नहीं उठा रही हूँ क्योंकि क्लास जो है वो 9:15 बजे है, तो जब होगी मैं उसको उठा दूँगी। अभी अभी तो 7 बजे हैं, तो 8 बजे के आसपास मैं उठा दूँगी, 8:45 बजे क्लास है। बस इतनी देर में अपना चाय बना लूँगी और नीचे चल जाऊँगी। बाकी ठंड बहुत हो रही है, आप लोग भी सब ठंड से बच के रहो, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, एकदम बर्फीली हवा चली हुई है बहुत ज़्यादा तो चलो फिर जल्दी से चाय बना लेते हैं, देर हो गई तो बोलेंगे अभी चाय नहीं आई। बहुत चाय के लिए तो उनको बहुत ज़्यादा तरफ लगती है चाय की, तो इस वजह से। तो बस मैं चाय बनाती हूँ और ये देखो मैं बच्चों को दिखाती हूँ आपको, बच्चे ये सोए हुए हैं, ये देखो ये इधर ऋषिता है, वो वेदांत सो रहा है उधर रजाई में तो बस हम सारे तो इसी बेड पे एक साथ ही सोते हैं सर्दियों में तो कम से कम, क्योंकि ठीक रहता है, बच्चे भी सेफ रहते हैं, दिखते रहते हैं क्योंकि रात में विशु जो है रजाई वगैरह हटा देता है तो फिर उसे देखना पड़ता है, तो हम लोग साथ में ही सोते हैं सारे लोग चारों। चलो फिर पहले मैं चाय बना लेती हूँ, उनको चाय लेके जाती हूँ उनके लिए नीचे और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में धूप निकलती है कि नहीं निकलती, देखते हैं कितनी धूप निकलती है। और यहाँ देखो इनको जाना है ऑफिस, तो मैंने इनकी एक पेन भी प्रेस कर दी, मैं चाय रख के तो मैंने कहा चलो इसकी पैंट भी प्रेस कर देते हैं, और बाद में तो करनी है कपड़े। शर्ट तो रखी हुई थी तो मैंने पैंट प्रेस कर दी है। चलिए फिर चाय बना लेते हैं फटाफट से। हेलो इशिता, क्या हो रहा है? क्या आज ये देखो इशिता ने बेड क्लीन तो किया है, बट ये देखो कैसे क्लीन किया है। ऐसे कोई क्लीन होता है? चादर ठीक से बिछी है? ये ऐसे थोड़ी बिछती है। फेंक दिया। ये वेदांत है, वेदांत भी मस्ती मार रहा है। छुट्टी है, ठीक है, छुट्टी नहीं है, इसकी क्लास है, इसने आज क्लास मिस की है। तो वेरी गुड, अच्छा काम किया है। देखो इसने आज सीखो सब लोग, अच्छा काम किया है। और बाहर आज मौसम देखो कितना बेकार हुआ है। आज बना रहे हैं हम पकोड़े थोड़े से, और बाल अभी मैंने बांधे नहीं है, थोड़े से आलू के बस, और कुछ नहीं। और बच्चे नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। थोड़ा सा काम है वो करना है। दिख रहे हैं आपको? ये पनीर के बनाऊंगी और आलू के, तो नाश्ता हो जाएगा। लंच में देखते हैं क्या बनाते हैं। तो बस आज ठंडा ठंडा मौसम है बहुत ज़्यादा। चलो पकौड़े बनाते हैं यार, पहले बच्चों को भूख लगी है और डुगू को भी भूख लगी है। देखो दिखाती हूँ मैं, वो मेरे को वेट कर रहा है खाने का। भूख लगी है डुगू को, ठंड भी लगी है, भूख भी लगी है ना। पहले बनाएंगे डुगू की रोटी, ठीक है। डुगू खाएगा रोटी पेडिग्री के साथ मिलाकर, और डुगू अगर पकौड़े खाएगा तो खा लेगा, वैसे ये नहीं खाएगा। क्या कर रहे हो बेटा इसको? ये देखो ये चला गया ऊपर, अभी हमारे घर मस्ती। डुगू मस्ती करेगा। ए डुगू सीधा बैठ जा, ये बेड खराब कर देगा सारा। ये देखो एक सीधा बैठ जा, ये कपड़े पहन लेता है ना तो इसे पलटा नहीं जाता नहीं तो ये बहुत तेज भागता है। क्या डुगू? एक मिनट डुगू, देखो डुगू, देखो काट लो इसको, काट लो। डुगू नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, इसको खाना, भूख लगी है ना। इनो डुगू खाना दे दे, देखो कैसे देखेगा। इनो डुगू खाना दे दे सारा दिन ऐसे ही मेरे साथ चिपका रहता है, बेवकूफ लड़का। पानी वो निकले आया है, बेटे को दे दो। बेटा फोन के लिए आया है पर फोन नहीं मिलेगा। मैंने अभी पढ़ाई करके आया हूँ, रीडिंग करके। कौन सी रीडिंग कर ली आपने? पकड़ो जल्दी से। अब देखो वहाँ पे लेके देखो, ये देखो मेरी बैट काम कर रही है। माँ खाना बना रही है, देखो मेरी मम्मी खाना बना रही है। वो देखो हो रही, ये है काम वाली बाई नहीं आई है और पकोड़े बना रही है। हाय, ये कौन से पकोड़े? व्हाट इज दिस पकोड़े? मिर्ची का नहीं बनाया? बनाएंगे मिर्ची का, मिर्च का भी बनाएंगे। ओके, पनीर के बन रहे हैं पकोड़े। दूसरा पनीर भी खोल लो ना। मम्मी दूसरा पनीर भी खोल लो ना। रात नहीं कर रहा, अब नहीं कर रहा, पहले कर रहा था जब लेटा हुआ था। देख ये क्या लग गया इसके, देख गंदगी लगा के आए गाय ने, एकदम से लात मारी थी इसके। अब करिए हाथ से ही कर रही है। देखो 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 देखो, रेनबो से एक चिड़िया निकली थी पर मैंने इसको बंद करो भाई, मैं देखूंगा फोन तेरा 6 घंटे। मम्मी क्या 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 किया, इसके मुंह में चला जाएगा इधर। अब इसको यहाँ रख ले बस, अब हिला मत, यहाँ बस हिला मत। ये रखना ही पे। ये कुत्ता गुस्सा हो रखा है, डुगु डुगु ने और चढ़ा दिए डुगु। डुगु 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 कहाँ दिला मत कर डुगु अंदर घुस गया वहां से बचने के लिए। सोच लियो चल चल। और बस अब मैं नहा ली थी और दोपहर को बनाना है लंच। ये जल्दी आ गए थे आज और ये लगे हैं कुछ काम में। हमारे स्विच वगैरह सब ख़राब हो गए हैं तो उनको चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। मैं बनाऊंगी अपना खाना। ये देखो कितने सारे स्विच हैं, सब नए लेकर आए हैं, फिर से ख़राब हो गए थे सारे। इनको धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। ये किचन का चेंज कर दिया है इन्होंने और मुझे बनाना है खाना। और खाने में बना रही हूँ मैं पालक पनीर। इन्होंने बोला आज पालक पनीर बना लो, पालक लेकर आए थे ये। तो बस मैं पालक को उबाल रही हूँ। इसमें मैंने कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है मोटी मोटी, और ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डालूँगी, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और ये पानी थोड़ा सा। तो नमक को डाल दिया मैंने यहाँ पे और बस इसे मैं ढक के रख दूँगी मिक्स करके अच्छे से। इसको बस मुझे बॉईल करना है तो थोड़ी देर में ही हो जाएगा। मैक्सिमम 5 या 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, मतलब 5-7 मिनट में हो जाएगा। तो बस मैंने इसको कर दिया मिक्स और मैं इसको ढक के रख दूँगी। बस इसको उबलने देते हैं। और मैं देख रही हूँ इनके साथ साथ कि क्या क्या काम कर रहे हैं। और अभी मांग रहे थे चाय तो मैंने कहा चलो इनके लिए पहले 1 कप चाय बना देते हैं। चाय तो इन्हें चाहिए ही होती है हर कोई काम करने के लिए। तो बस ये देखो डुग्गू इनके साथ में ही बैठा हुआ है कि पता नहीं क्या करने में लगे हुए हैं, आज हट ही नहीं रहा है वहाँ से। आज पेट नहीं भरा, आज पेट नहीं भरा। विशु इनू कहाँ है, कहाँ पर है, क्या फोन देख रही है? चलो ऊपर चलो 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 चलो। देखो ये बुला उसको अंदर, अंदर विशु बुला उसको अंदर। आज हो रहे थोड़े से एक्स्ट्रा काम। हमारे कुछ बिजली के स्विच वगैरह हैं वो ख़राब हो गए हैं तो उन्हें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं वो ऊपर। और मैं बना रही हूँ पालक पनीर। देखो ये पनीर है, शॉप से मिल जाता है सब कुछ फ्री फ्री फ्री। और ये चाय थोड़ी सी उनके लिए। तो बेटा गेट बंद कर, डुगू बाहर गया, देखो जल्दी। तो चाय इनकी बन गई है, उबल गई है, बस अभी थोड़ा देर और पकाऊंगी। और ये देखो सब फैलाया हुआ है इन्होंने पूरा घर। आज लगने वाला है पूरा दिन। अभी चाहिए इनको पहले पानी, तो साथ साथ में पति की सेवा भी हो रही है और खाना भी बन रहा है। तो ये दीदी मैंने इनको पानी। और अब देख लेते हैं अपना पालक। ये भी मतलब लग रहा है कि हो ही गया है, बस इसको मैं चेक कर रही हूँ कि ये गला है कि नहीं गला। वैसे ये लगभग हो ही गया है। तो बस अब मैं अपना कट कर लेती हूँ पनीर, छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी इसको मैं, बस ऐसे इतना इतना बहुत रहेगा। ये एक टाइम की सब्ज़ी बनानी है हमें बस। तो ये 200 ग्राम का पनीर है, सुबह पकौड़ों में 1 डाल लिया था और 1 मैंने इसमें डाल लिया। ऐसे शॉप पे तो होते ही हैं और भी रखे हैं, बट वैसे मैं ऊपर लेके आई थी पनीर तो वो बच्चों ने वैसे खा लिया था तो मुझे नीचे से लाना पड़ा। तो बस मैंने इनको नीचे ऐसे पीसीज में कट कर दिया है, छोटे छोटे पीसीज में। तो ये हो गए रेडी कट के। इनको साइड में रख देती हूँ और पहले दे देती हूँ इनकी चाय। ये देखो बिल्कुल पक के एकदम गाढ़ी गाढ़ी और जली जली चाय पीती हैं इनको। तो अब जा रही है पानी के बाद चाय। तो ये लीजिए चाय भी रेडी होगी इनकी। अब जल्दी जल्दी में खाना बनाना है मुझे बस, क्योंकि बच्चों को भी फिर से भूख लग गई है। वैसे बज रहे हैं इस टाइम 2:30 बज गए हैं। सुबह पकौड़े तो खा ही लिए थे लेकिन इनको तो भूख लगी रही है बस। इशिता जी क्या हो रहा है? क्या चाहिए फ्रिज में से? ये रखो इसको, रखो। चल सो जाओ चलो सो लुगू, ए लुगू सो जाओ, चलो सो जाओ और मुड़ी तोड़ दूंगी आपकी, सो जाओ। सो जाओ चलो, ठीक है। आइज क्लोज करो, आग बंद करो, आग बंद करो, आग बंद करो, आग बंद करो, आग बंद, आग बंद, आग बंद, डुगू आग बंद करो, चलो आग बंद करो, आग बंद करो। हाँ खोलनी नहीं है, फिर बंद करो, बंद बंद बंद, और उठना नहीं रह जाए मुझसे, ठीक है ठीक है। डुगू रजाई में से उठना नहीं है, ठीक है आपको? हाँ सो जा, ठीक है ऐसे ही। हाँ आँख नहीं खोलनी, हाँ बंद करो, आँख को बंद करो, बंद बंद बंद, आँख बंद कर, आँख बंद कर, कजरारे नन मत दिखा मुझे। तो बस ये पालक थोड़ा हो गया रेडी, देखो गल गया ये, और बस मैं इसे अब निकाल लूँगी प्लेट में, इसे ठंडा कर लूँगी, फैला के सारा अच्छे से। उसके बाद इसको मैं पीस लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हरी मिर्च भी एकदम गल गई है। तो बस ये तैयार है, बस मैं इसे पीस लूँगी। और ये मैंने तड़के के लिए जीरा लिया है और प्याज ली है, एक छोटी प्याज है, ये थोड़ा सा देसी घी तड़के के लिए। बस मैं इसे तड़का लगा दूँगी, थोड़ा हो गया मेल्ट। बस इसमें मैं डालूँगी ये जीरा थोड़ा सा, जो मैंने दिखाया आपको। जीरे को भून लूँगी मैं, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी अपनी। बस ये मैं डाल दूँगी इसमें प्याज, इनको भून लेती हूँ थोड़ा, इनका थोड़ी भून गया, थोड़ा पीक हो गया, थोड़ा पिंक हो गया, और हल्का भी हो गया। इसमें अपना जो पेस्ट है मैंने जो बनाया है ये पालक वाला, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। और देख सकती और थोड़े सूखे मसाले डालने हैं। तो बस ये देखो ये रंग डाल दिया। पालक पनीर बनाना बहुत ईजी होता है, बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत हेल्दी भी होता है, बहुत ही ईजी होता है बनाना। मैं तो सब्जी ही बना लेती हूँ पालक पनीर में, सब्जी घर में पालक आता है, जैसे पनीर रखा होता है उसको मिक्स कर दूँगी इसमें अच्छे से। और इसमें मैं डालूँगी थोड़े से सूखे मसाले अपने, नींबू डालने, धनिया डाला 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया। और बस इसको भून लूँगी थोड़ा सा, धनिया को भी। नमक इसमें मैंने पहले ऐड कर ही दिया था, आपने देखा होगा, तो नमक डालने की जरूरत है नहीं। बस ये रेडी होने वाला है। हाँ अच्छा, वो 25 कर दिया, इनका काम भी खत्म ही होने वाला था। और मैं इसमें वही पानी डाल दूँगी ना जो उससे निकला था पालक में से, वही पानी में इसको यूज़ कर रही हूँ मैं। इसको मतलब थिकनेस से जितनी भी रखनी होगी मुझे, मैं उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि इतना गाढ़ा गाढ़ा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको मैं और पतला करूँगी पानी डाल के। भून रही हूँ इसको मैं, तो थोड़ा सा पानी में इसमें और ऐड किया था। और ये अब इस पर इसको 5 या 2 या 3 मिनट के लिए मैं इसको मतलब पकाऊँगी। पनीर डालने के लिए मतलब इसको ढक के पका लेती हूँ, लास्ट में मैं पनीर डाल दूँगी और ये रेडी हो जाएगा। बस और कुछ नहीं, बस ये रेडी। बबल्स आने लगे हैं, पानी इसका जल चुका है जो भी एक्स्ट्रा है। तो फिर अलग से ना साग बनाओ या फिर पालक बनाओ, तो जब वो ठंडा हो जाता है तो उसमें पानी अलग से निकल आता है और साग है या जो भी पालक वो अलग रह जाता है। तो पहले मैं इसका पानी अच्छे से चला लेती हूँ। ये देखो पानी इसका निकल गया, सारा उड़ गया है। बीच में डाल दूँगी अपने ये पनीर। तो दीवार भी गंदी हो गई मेरी, क्योंकि टाइल्स वगैरह तो अभी लगी नहीं हुई है घर में, बस ऐसे ही है तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है सारी दीवारें मेरी खाना बनाती हूँ। फिर इसके निशान पर वाइट है, पुट्टी हुई है। तो बस पनीर मैंने डाल दिया है और इसको मैं मिक्स करके मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। बस इसे मिक्स करके मैं रख दूँगी। और ये मेरा रेडी हो गया पनीर, एकदम मज़ेदार डिलीशियस सा। बहुत ही मतलब इसमें कोई ज़्यादा खास मसाले नहीं डालती मैं, ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है ये मतलब, और ऐसे ही हेल्दी भी रहेगा। इसमें लाल मिर्च वगैरह या कुछ और भी गर्म मसाले वगैरह डाल देंगे तो फिर इसको इसमें वो बात नहीं रहेगी। एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो गया एकदम। आ रहा है मूंग करी मुझे तो बहुत सुंदर आती है। बस विशु विशु खाना नहीं खाना विशु, खाना नहीं खाना, आजा। तो बस पालक पनीर तो रेडी हो गया है। अब मैं बना रही रोटियाँ बच्चों के लिए, वो आ रहे हैं जैसे खेल के, और ये थोड़ा सा काम कर रहे थे तो बिजी थे। तो ये बेदान को मैंने डाल दिया, वो इसमें घी भी डालने को बोल रहा है, रोटी पे भी लगाएगा वो। इसे घी अच्छा लगता है, अच्छा अच्छी बात है, खाना चाहिए। स्किन के पापा जो वो नहीं खाते हैं इतना घी, बस रोटी पे भी लगा दूँगी इसके लिए, तो हो जाएगा, ये अपना खा लेगा। खाना कैसे मोड़ दूँ। तो बस खाना हो गया रेडी, पालक पनीर रेडी है, रोटी बन गई है और बेदान तो खा भी रहा है। ये देखो ये सबसे पहले खा रहा है, वो अभी थोड़ा सा उनका काम रहता है, वो काम कर रहे हैं और जैसे वो काम कर लेंगे तो उसके बाद मैं खाऊंगी और वो साथ में खाएंगे। क्योंकि इशिता भी थोड़ी देर भी नीचे शायद शॉप पे बैठी है, तो उसको बुलाती हूँ मैं, अभी मैं जाके शॉप पे बैठूंगी, उसके बाद वो खाना खा लेगी, फिर हम दोनों खा लेंगे बस। और अभी तो टाइम कुछ नहीं हुआ है, 3 बजे हैं अभी दिन के, तो उसके बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं आज थोड़ा थक गई हूँ। क्योंकि ये पूरा दिन आज इसमें बिजली के इसमें लगे हुए थे, लगभग ये सारा काम इनका हो गया है, ज़्यादा नहीं है, बस 1-2 स्विच और है वो लगाना है। बस यही था मेरा पूरा व्लॉग, थोड़ा कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है और बताना आपको मेरी जो वीडियोस हैं कैसी लग रही हैं, क्या आपको जो मेरा ये बर्थडे ब्लॉग है और ये जो आगे का कंटिन्यू ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा बर्थडे को अच्छे से फुली। और हम सभी बहुत खुश थे, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया हमने बर्थडे में, और सब लोग ने एंजॉय किया अच्छे से रहा बर्थडे। और टाइम से सब अपने घर भी चले गए, क्योंकि हम लोग जल्दी जैसे 7 बजे चले गए थे, आपने देखा 7:20 पे 7 बजे पहुँच गए थे, तो 8 बजे के आसपास हमने केक कट कर दिया था और 1-1.5 घंटा खाने वाने में हुआ। तो उसके बाद हम सर्दी का टाइम है क्योंकि, तो सबको घर जाना था वापस अपने, तो इस वजह से मम्मी ने थोड़ा जल्दी ही करवा दिया था और हम लोग 10 बजे के आसपास सब लोग अपने घर भी आ गए थे। लेकिन ठंड तो उस दिन बहुत हो रही थी, लेकिन अब ठंड तो खैर अभी भी हो रही है। बस यही सब था। आई होप कि आपको जो वीडियो है, हाँ जी बोलो क्या हुआ, ठीक है रोटी तो है, मेरे को रोटी सुंघा रहा है तो बस आज का व्लॉग करते हैं फिर एंड यहीं पर ही और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको जो वीडियो है अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा जो व्लॉग है कैसा लगा, बर्थडे आपको सेलिब्रेशन जो था वो कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक तो बनता है यार, लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता है, एक लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और बने रहिए आगे मेरे व्लॉग में कंटिन्यू। मैं अब कंटिन्यू व्लॉग लाते ही रहूँगी, डेली व्लॉगिंग भी शायद कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, थोड़ी ठंड की वजह से नहीं कर पा रही थी। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, चलिए टेक केयर, बाय।